क्या सोसाइटी है, 5 मिनट से ज्यादा रुकूंगा पागल हो जाऊंगा मैं। इसलिए आप तुरंत निकलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो आ जाइए। ठीक है ठीक है। क्या हुआ टप्पू के पापा, ये लोग कौन है? कुछ नहीं तो। अरे दया पापी जी, ये लोग तारक मेहता जी को ढूंढ रहे थे। हाँ? तो मेहता साहब को घर से बाहर बुलाओ ना। एक मिनट। क्या बोले, क्या ये तारक मेहता नहीं है? नहीं। अरे ये तो अय्यर भाई है। मेहता साहब तो अंदर होंगे, मैं बुलाऊं? अच्छा तुम लोग ने सबने मिलके मेरे साथ गेम खेला है? तारक मेहता मारा। किसने बोला तुमको नीचे आने के लिए? अरे वो जा रहे थे। नॉनसेंस। अरे जग्गू भाई, ये तो वही तारक मेहता है जिसने मीनाक्षी भाभी को गालियां दी थी। सच? हाँ। मारो उसको। ओए, हमारे होते तू मेहता साहब को हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ? सही बात है। हाँ, हम मेहता साहब को अच्छी तरह जानते हैं, वो कलम के पुजारी है। अगर हिम्मत है तो मेहता साहब का हाथ लगा कर दिखा। और ऐसा मत समझना कि हमारे पति अकेले हैं। जी हाँ, हम सब इनके साथ हैं। हम सब एक हैं। हाँ। और अगर मेहता साहब को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो ये कंपाउंड युद्ध भूमि में बदल जाएगा। अरे वो मेरी बीवी को गाली दे, वो गोली मारने की बात करे, मैं खड़े खड़े सुनता रहूँ क्या? गोली मारने की बात करूँ मैं? आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मुझे इनसे बात करने दीजिए, आप लोग शांत हो जाइए। देखिए जग्गू भाई, आप कुछ भी करें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ, मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, और मीनाक्षी जी जिनको तो मैं जानता ही नहीं, उनको क्यों गाली दूंगा? मैं वॉशिंग पाउडर खरीदने गया था, और धीरू भाई मुझे बार बार ये कह रहे थे कि यही वॉशिंग पाउडर लीजिए, मीनाक्षी जी ये इस्तेमाल करती है। मेरा गुस्सा किसी मीनाक्षी जी पे नहीं था, मेरा गुस्सा तो धीरू भाई पे था। मैंने कहा करती होंगी वो इस्तेमाल, मुझे क्या लेना देना है? तूने मेरी बीवी को गोली मारने की बात नहीं की? नहीं। देखिए जग्गू भाई, जो मैंने नहीं किया है वो स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने कहा था कि धीरू भाई आप मीनाक्षी की बात को गोली मारिए, मैंने नहीं कहा था कि आप मीनाक्षी को गोली मारिए। और मीनाक्षी की बात को गोली मारने का मतलब एक मुहावरा है गोली मारना, जिसका मतलब है बात खत्म कीजिए। मेरे कहने का मतलब था कि बात खत्म कीजिए, और उसका अर्थ निकाल लिया किसी ने कि गोली मारिए। मेरी सारी सफाई देने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती हुई है, तो मुझे कोई शर्म नहीं आएगी सबके सामने माफी मांगने में। बात जरा सी थी, मैंने कहा कुछ और, किसी ने सुना कुछ और बात का बतंगड़ हो गया, एक राई का पहाड़ बना दिया। राई का पहाड़ तो ये गुल्लू के बच्चे ने किया, गुल्लू के बच्चे ने किया। अरे नहीं नहीं, इसे भी मत मारिए जग्गू भाई, इसे भी मत मारिए, इसे गलतफहमी हो गई थी। मेहता साहब माफ करना, इसकी वजह से गलती हो गई, सॉरी। हाँ, और आप लोगों को भी सॉरी। अय्यर साहब, खास करके आपको कहता हूँ। मेहता साहब, क्या है ना, मेरी बीवी गुजराती फिल्मों में हीरोइन है, उसके लिए मैं एक हिंदी फिल्म बना रहा हूँ, तो आप उसमें स्टोरी लिखेंगे? देखिए आपके इस प्रस्ताव का बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू भाई, लेकिन मैं तो व्यंग्य लेखक हूँ और कॉलम लिखता हूँ, फिल्मों में लिखने में मेरी कोई खास रुचि नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे दो दोस्त हैं, वो आपके बहुत काम आ सकते हैं, राजू और राजन, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा, वो आपके लिए लिख लेंगे। थैंक यू, शुक्रिया भाई, माफ करना अय्यर साहब, माफ करना। अय्यर भाई, वो मैंने मेहता साहब को बचाने के लिए आपको बिना पूछे आपको झूठ मूठ का तारक मेहता बना दिया।
और मुझे पता नहीं था लोग सीधा इनको मारने लगेंगे। सॉरी उसके लिए। जेठा लाल मार भी गया तो किसके लिए? मेहता साहब के लिए ना, नो प्रॉब्लम। अरे वाह मेहता साहब, अभी दोबारा कोई भी आपको मारने के लिए है तो यार भाई रेडी है। देखो मजाक छोड़ो जेठालाल, लेकिन एक बात है, जिस तरह से आज मुसीबत के वक्त आप सब लोगों ने मेरा मिलके साथ दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता साहब धन्यवाद कह रहे हैं? अरे आप ही कहते ना कि हम लोग सिर्फ पड़ोसी नहीं है, एक परिवार है। बराबर है, बराबर है, एक परिवार। और आज आप लोगों ने उसे सिद्ध भी किया। तो इस बात पर आज आप सब लोग हमारे घर पर खाना खाने के लिए आइए। चलिए चलते हैं।